हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे, और आप लोगों ने अपने फेस्टिवल्स को भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, आई होप सो। और आप मुझे ना बता सकते हैं कमेंट में कि आप लोगों के फेस्टिवल्स कैसे रहे हैं, और आई होप अच्छे ही रहे होंगे, क्योंकि फेस्टिवल्स बनाए ही इसलिए जाते हैं कि हम थोड़ी खुशी अपनी लाइफ में ढूंढ पाएँ। और फेस्टिवल्स की वजह से ही मेरी ये रीडिंग्स जो मैं अभी आपको बनाने जा रही हूँ स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के लिए और बाकी सभी जोडियक्स के लिए, वो भी लेट हो गई हैं। और एक बार को तो मन में आया कि रहने देते हैं, क्योंकि टाइम अभी बहुत शॉर्ट रह गया है, बट फिर ये मन में आया कि अगर अभी नहीं बनाएंगे 11/11 पोर्टल की वीडियो तो फिर अगले साल पे बात जाएगी, वो फिर अगले साल आएगा। तो ये नवंबर मंथ में जो 11th of November को होने वाला है 11/11 पोर्टल, उसके रिगार्डिंग रीडिंग रहने वाली है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के लिए, है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या सीक्रेट ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में आने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती है कि आपको छोड़ के चली जाए, जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, छोटी रीडिंग बनाऊंगी, क्रिस्प बनाऊंगी, और मुझे गाइस 3 रीडिंग एक दिन में बनानी पड़ रही हैं, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट टाइम रह गया है, क्योंकि मुझे 11th of November से पहले आप सबकी रीडिंग्स अपलोड करनी है, क्योंकि 11th of November के बाद उनको अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 3 दिन वीडियो बनाना, एक दिन में उनको अपलोड करना, सो बहुत एनर्जी लगती है। तो छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, इसको क्लेम करें, थैंक यू बोले यूनिवर्स को, और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सा मैनिफेस्ट करें, और जो भी मैनिफेस्ट हो बाद में इस वीडियो पे आके भी आप लोग बताएं। और इससे पहले कि मैं कार्ड्स पुल करूँ, आप लोग अपने लिए ना कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इंटेंशन दे सकते हैं, सोच सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, कोई चीज़ मांग सकते हैं भगवान से, ठीक है। तो क्योंकि ना ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग से ही बनती है, ये रीडिंग आप यहाँ पे पोज करके ना अपने लिए लिख सकते हैं, मांग सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है, जैसा भी आपका बिलीफ है। सो मैं यहाँ पे कार्ड्स पुल कर लेती हूँ, देख लेते हैं सोल ट्राइब क्या अट्रैक्ट कर रहा है थ्रू दिस 11/11 पोर्टल। और यहाँ पे है दी हैंडमैन, गुड। और यहाँ पे वाव, आई मीन वाव, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्या बात है गाइस। 10 ऑफ सोर्ड्स, गुड गुड गुड। अब मैंने बोला था आप लोगों को कि बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ों को आप छोड़ देंगे, लेट गो करेंगे, मूव ऑन करेंगे। जैसे कि ना मैं आपको समझाऊं, बहुत बार ना टग ऑफ वॉर को आप इमेजिन कीजिए, जैसे किसी रस्सी को ना मैंने बहुत ज़ोर से खींचा हुआ है, सामने वाले ने भी बहुत ज़ोर से खींचा हुआ है, टग ऑफ वॉर चल रही है। तो उसमें ना जो हम खींच रहे हैं, हम इंजर्ड हो रहे हैं, हमारे को पेन हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है हमारे हैंड्स पे, जब हम उसे छोड़ देते हैं तो कितना रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो लेट गो इसी को बोलते हैं, और लेट गो करने के बाद ही वो रिलीफ पता चलता है। एक्चुअली जब तक हम उसे खींचते हैं, खींचातानी चलती है, कैरी करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, तब तक समझ नहीं आता कि कितना भार हम ढो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 10 ऑफ सोर्ड्स को पढ़ूंगी, क्योंकि लेट गो की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। स्कॉर्पियो सोल ट्राइब ना अपनी लाइफ में जो उनके बहुत बड़े ट्रोमाज रहे हैं, चाइल्डहुड ट्रोमास हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, कि 20 साल पहले हुई थी कोई बात, 30 साल पहले हुई थी, 40 साल पहले कोई बात हुई थी, लेकिन वो शेम आप अभी भी कैरी करते हैं, वो गुस्सा, वो एंगर, एंग्स्ट, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, उस चीज़ के रिगार्डिंग आपके अंदर आज भी भरी हुई है। और ह्यूमन साइकी ऐसे ही काम करती है। हो सकता है लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ गए हो सकता है आप बच्चों के पेरेंट्स बन गए हों, ठीक है, लेकिन जो बचपन में आपको कभी ट्रोमा हुआ था, बहुत बहुत गहरे वाला ट्रोमा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स ना बहुत बहुत डीप वूंड्स को दिखाता है, एक ऐसा वूंड कि जहां पे ना मतलब एक ऐसा धोखा भी हो सकता है, ये ऐसा बिट्रेयल भी हो सकता है, ऐसी कोई कठिन परिस्थिति, किसी ने ऐसे आपको बेइज्जत किया हो, चीट किया हो, कुछ भी ऐसी चीज जहां पे आप फिर पहले जैसे नहीं रहे, एक ऐसा ट्रोमा लाइफ का ना बहुत बड़ा कि आप पहले जैसे नहीं रहे और बिल्कुल खत्म हुए, और उसके बाद नए ही इंसान बने कहीं ना कहीं। तो उस ट्रोमा को पीछे छोड़ते हुए, उन पैटर्न्स को पीछे छोड़ते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये आगे ही बढ़ रही है, मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है। जहाँ भी हैं आप अपनी लाइफ में, ये पोर्टल आपको हिम्मत देगा, एनर्जी देगा, इंसाइट देगा,
और आपको कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज भी दिख सकती हैं, ऐसे सिंबल्स आपको दिख सकते हैं कि आपका हौसला बढ़े और आप आगे की ओर मूविंग फॉरवर्ड होगा आपका, आप जो भी सोच रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट भी नहीं होंगे, बट होता है ना कि लीप ऑफ फेथ लेके ऊपर वाले पे छोड़ के कि चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है। ठीक है, रुक जाना, स्टक हो जाना, वो फिर कोई लाइफ नहीं होती है। आप देखो जो नदियां हैं जो बहती रहती हैं उसमें साफ पानी रहता है, और कोई पानी कहीं रुक जाए, तालाब बन जाए, ठीक है, तालाब कितना गंदा होता है, स्मेल होती है उसके पानी में, इन्फेक्शन होता है क्योंकि वो बह नहीं रहा है। तो लाइफ लाइक ना इज लाइक अ कंस्टेंट फ्लक्स, कंस्टेंट मूविंग ऑन। तो यहाँ पे आप मूव ऑन करेंगे किसी बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन से, किसी एक नेगेटिव पर्सन से। और यहाँ पे हैंग्डमैन है, और हैंग्डमैन का कार्ड यही बताता है कि सिचुएशन मुश्किल है आप लोगों के लिए। और स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के लिए ये बात है कि जो दिल का मामला है ना वो ही मुश्किल रहता है, बाकी वर्कफोर्स में इनको कोई दिक्कत आती ही नहीं है। कंपटीशन करा लो इनसे जितना मर्जी, ये जीत जाएंगे, ठीक है, इनके रास्ते में आप बाधाएं रख दो, ये उसको लांग जाएंगे, कूद के भाग जाएंगे उस पे से। जीतना, कॉम्पीट करना, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में चीज़ें हासिल करना, हासिल करना, तो उस चीज़ में नहीं हारते हैं। हारते कहाँ हैं, जहाँ दिल का मामला आता है, तो वहाँ पे, क्योंकि वाटर का एलिमेंट है ना, तो वाटर एलिमेंट है, जितना मर्जी बाहर से सख्त दिखें, अंदर से नरम है, अंदर से पानी है, अंदर से बहुत हाइपर सेंसिटिव है, इमोशनल है, इसीलिए बाहर से अपना एक पर्सोना कैरी करते हैं कि लार्जर देन लाइफ, सो दैट लोगों को लगे, तो वो एक डिसेप्शन है। बेसिकली बेसिक नेचर जो है ना, कोर नेचर जो है, वो कोई अपनी बदल नहीं सकता है। तो हैंग्डमैन की एनर्जी आई है कि इसमें से कैसे बाहर निकलेंगे आप, भगवान पे विश्वास करके, लीप ऑफ फेथ लेके, मेरे मुंह से एक वर्ड निकला था, लीप ऑफ फेथ लेके, और मतलब किसी का सहारा लेके, कोई ये इंसान भी हो सकता है जो आपको हेल्प करे, किसी मोटिवेशनल गुरु को सुन के, कोई बुक पढ़ के, कुछ भी, किसी के सहारे से, किसी पे विश्वास करके, चाहे इस रीडिंग पे विश्वास करके, चाहे जैसे मर्जी, चाहे अपने भगवान पे विश्वास करके, लेकिन आप इसमें से निकल जाएंगे। और बहुत अच्छी एनर्जी है, सबसे पहले तो मूव ऑन करना, लेट गो करना, नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर कर लेना, हिम्मत करना। फिर उसमें डर लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं अकेला तो नहीं रह जाऊँगा, कहीं मैं मुझे वो फोमो की स्टेज भी होती है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ लेफ्ट आउट, मैं अकेला ना रह जाऊँ, ठीक है, और अकेला रहना मुश्किल है, और मैं सर्वाइव कैसे करूँगा। और इसमें फिर आपको किसी का सहारा चाहिए होता है, सहारा मुझे लग रहा है आप भगवान से ले रहे हैं, अपने अंतर मन से ले रहे हैं, अंदर से सहारा ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, यही लग रहा है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे दो कार्ड्स आए हैं, सिक्स की एनर्जी है, किंग्स ऑफ सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे यही रहता है इस चीज़ में, जो सिक्स ऑफ सिक्स का कार्ड है ना, सिक्स वैसे भी बेसिकली आपकी लग्जरी, कम्फर्ट्स, इन चीज़ों को लेके आता है। और लग्जरी कम्फर्ट कैसे आ रहा है यहाँ पे, ये आपकी फैमिली की जो एनर्जी होती है, पार्टनर की एनर्जी होती है, आपके बच्चों की एनर्जी, आपके पेट, जिनके साथ दिल से आप अटैच्ड हैं, जिनके साथ कोई ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है कि मैंने तुझे 2 ग्राम प्यार किया तो मुझे 4 ग्राम प्यार कर, ऐसा नहीं है, ठीक है, जहाँ पे हम अनकंडीशनल देते चले जाते हैं, हिसाब भी नहीं रखते कि कितना दिया है, ठीक है, और बदले में बहुत बार कुछ चाहते भी नहीं है, लाइक हम अपने बच्चों को करते हैं अनकंडीशनल प्यार, मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों को कर पाते, पार्टनर्स को भी नहीं कर पाते हैं, अपने पेरेंट्स को भी नहीं कर पाते हैं मोस्टली अनकंडीशनल लव, और उससे भी ज़्यादा हम अपने पेट्स को करते हैं, क्योंकि बच्चों से भी कहीं ना कहीं एक एज होने के बाद की, जब वो बड़े हो जाएंगे तब थोड़ा सा हमारा ख्याल रखें, इतना सा तो हर किसी के मन में रहता है। तो लेकिन जो पेट्स हैं, पेट्स के साथ होता है, और जिन जिनके पास पेट्स हैं वो समझेंगे उस चीज़ को कि अनकंडीशनल लव को अगर फील करना है ना तो पेट रख के देखो, लेकिन वो पेट को अपने बच्चे की तरह रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसको सीढ़ियों के नीचे बैठाया हुआ है, घर के बाहर रखा हुआ है, चेन में बांध के रखा हुआ है, भाई वो आपके बेड पे भी बैठेगा फिर, ठीक है ना, वो आपकी किचन में भी आएगा, उसको पूरा प्यार आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना अनकंडीशनल लव किसी सोर्स से आपको मिलते हुए मैं देख रही हूँ, आप भी अनकंडीशनल लव करेंगे लोगों को, लव्ड वंस को, और लव्ड वंस से, आपके बड़ों से भी हो सकता है, ये बुजुर्गों से भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स से, पार्टनर से, बच्चों से, पेट्स से, जहाँ जहाँ भी इमोशंस आपके एंटेंगल्ड है वहाँ पे, और रेसिप्रोकेशन भी होगा, मतलब खाली नहीं जाएगा आपका प्यार कि आप ही कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, और मैं ही क्यों कर रहा हूँ, और मैं ही क्यों करूँ, उस तरह का नहीं रहेगा। और आप किसी अपने ना
पेरेंटल प्रॉपर्टी को भी विजिट कर सकते हैं, पेरेंट्स के घर जा सकते हैं, अपने पुश्तैनी मकान को विजिट कर सकते हैं, दादा दादी नाना नानी ननिहाल, अपने गांव के घर जहां आप ना गए हो बहुत दिन से, वहां से कोई आपको मिलने आ सकता है या आप वहां जा सकते हैं। और जो पोर्टल की एनर्जी होती है, ऐसा नहीं कि 11th ऑफ नवंबर को ही रहेगी, ये 11th ऑफ नवंबर से 2 वीक्स प्रायर, मतलब पहले और 2 वीक्स बाद तक रहती है। तो पूरा पूरा मोटा मोटा अगर मैं लगाऊं तो पूरा नवंबर का मंथ ही आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्यारी एनर्जीज होती है, मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ कीजिएगा। 11-11 को ना, यानी कि 11th ऑफ नवंबर को सुबह 11:11 जब टाइम हो, और जब तक वो टाइम रहे 1 मिनट के लिए, और रात को कम से कम 1 मिनट के लिए अपनी उस चीज़ पे फोकस कीजिएगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपनी विश पे, अपने ड्रीम पे। तो यहाँ पे प्यार, स्नेह, केयर, ब्लेसिंग्स मिलना, रेसिप्रोकेशन मिलना। और अगर आप पार्टनर ही ढूंढ रहे हैं गाइस कि मुझे तो पार्टनर ही चाहिए अभी, बाकी और चीज़ों में मेरा अभी नहीं है, तो यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है कि हाँ, आप एक पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे, या आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में जो खटर पटर चल रही है उसमें इम्प्रूवमेंट है, मैच्योरिटी है, और इमोशनल, वही जो मैंने इस चीज़ में यहाँ इस कार्ड में बोला है ना कि इमोशनल ना रेसिप्रिकेशन है, कि ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, मेरा कोई नहीं कर रहा है, मतलब प्यार अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में जो एक्सप्रेसिव होगा। मोस्टली क्या होता है, दो पार्टनर्स में से एक बोलता है, एक चुप रहता है, एक अपने इमोशंस दिखाता है, और जो दिखाता है वो कुछ ज़्यादा ही दिखाता है, और जो नहीं दिखाता वो बिल्कुल नहीं दिखाता है। और ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं ये धीरे 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 करके टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट होती हैं, या इसमें बहुत सारी ब्लेम गेम चलता है, विक्टिम आइडेंटिटी के साथ हम प्ले करने लगते हैं, और बहुत बार हम बहुत कंप्लेंट करते हैं क्योंकि ये हेल्दी रिलेशनशिप है ही नहीं। ठीक है, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक हेल्दी इंसान इमोशनल वे में, जिसने अपने जो पास्ट लाइफ ट्रोमा है उस पर काम किया हो, बहुत बार ये ट्रोमा पास्ट लाइफ से आता है, यानी कि आपके पुराने जन्मों से आता है, बहुत बार ये इसी लाइफ के पास्ट में यानी कि चाइल्डहुड से आता है। तो इस इंसान ने भी, चाहे आप अपने रेस्पेक्टिव जेंडर के हिसाब से देखिएगा, चाहे लड़की है चाहे लड़का, ये इनर चाइल्ड वर्क जिसको बोलते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग, और इनर चाइल्डहुड जो है हमारी, इनर तो नहीं बोलेंगे, चाइल्डहुड ट्रोमा जो है उन पे काम करके आया, अपनी हीलिंग करके आया होगा। एक बहुत ही मैच्योर इंसान जिसके जिसके साथ ना आपको फिजिकली तो अच्छा लगता ही है रहना, पार्टनरशिप का वो तो एक रूल है कि इंटीमेसी तो हमें अच्छी लगती ही है। बेसिकली एक रूह को सुकून मिलता है किसी के साथ रह के ना, आप सेफ फील करते हैं। एक रिलेशनशिप में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मुझे बताइएगा, ठीक है, कि एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मुझे बताइएगा। आपके लिए एक इंटीमेट रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या लगती है, क्या होनी चाहिए? मेरे लिए वो एक सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, रेस्पेक्ट की फीलिंग है कि वो जरूर होनी चाहिए, वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए। पैशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो चलता है, लव बॉम्बिंग थोड़ी कम हो ज़्यादा हो चलता है, वो आपको 10 बार फ़ोन ना करे चलता है, बट वो आपकी रेस्पेक्ट करे, ठीक है, वो आपको अपना स्पेस दे, मैच्योरिटी का एस्पेक्ट रखे, इक्वल गिव एंड टेक करें, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप बताइएगा कि एक लव रिलेशनशिप में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। और आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ मैं, सबके जवाब दे रही हूँ, आपने कमेंट करना है, क्योंकि गाइस जान लगती है, 3 रीडिंग एक दिन में बनाना, अपलोड करना, इतना काम करना, अपने शेड्यूल में से इतना टाइम निकालना, क्योंकि मैं हार्डली एक वीडियो बना पाती हूँ एक दिन में, बट अभी क्या है कि हम लेट हो गए हैं। और ऐसा तो नहीं है कि 6 सोल ट्राइब की मैं वीडियो बना दूँ, 7वें की ना बनाऊँ, बनानी है तो 12 की बनानी है, अदरवाइज नहीं बनानी है। तो प्लीज से आप भी रेसिप्रिकेट करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, इसको क्लेम कीजिएगा, बहुत प्यारी रीडिंग है। तो यहां पे पार्टनर का सुख, बच्चों का सुख, परिवार का बढ़ना, और बहुत लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं हो सकती कोई भी चीज, बहुत लोगों के लिए गाइज यहां पे है पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलना, पेरेंट्स से ब्लेसिंग्स मिलना, प्रॉपर्टी मिलना, ज्वेलरी, पैसा, कैश या प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई झगड़ा चल रहा था, कोई क्लैश था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बराबर बंट नहीं रही थी, कहीं उलझाव था, जिसको बोलते हैं डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी पे, तो वो यहाँ पे सोल्व होगा। और हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी बांट के चुपचाप सबको बराबर बराबर दे दी जाए, ये भी है यहाँ पे, जो आपके हिस्से का है ना वो आपको मिलेगा बेसिकली, ये बता रहा है ये पोर्टल स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के केस में। अब यहाँ पे मैं लूंगी फटाफट से गाइडेंसेस तो गाइस प्लीज क्लेम कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए लव की रीडिंग है, क्योंकि ना 4 कार्ड थे बट टोन इन्होंने लव की पकड़ी थी, प्यार की ही पकड़ी थी, तो लवर्स है,
तो हर तरह से आपको प्यार मिलेगा, आप भी प्यार करेंगे, सोलमेट कनेक्शन आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, कोई आ सकता है आपकी लाइफ में, आप किसी को कमिटमेंट दे सकते हैं, कमिटेड है तो शादी हो सकती है, शादी की बात आगे बढ़ सकती है, अरेंज मैरिज भी होगी तो आपको ऐसा ही लगेगा कि यार यही तो था वो बंदा जिसको मैं ढूंढ रही थी, यही तो थी वो बंदी जिसको मैं ढूंढ रहा था, और ये तो मेरे पेरेंट्स ने ढूंढ के मेरे को दे दी है। तो आपको अरेंज मैरिज भी लव मैरिज के जैसी लगेगी, और अचानक से कोई रिश्ते आ जाना, अचानक से बात चल पड़ना, और आज अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके किसी के साथ अपने पार्टनर के साथ झगड़े हैं, कोई मनमुटाव है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे डाइल्यूट होगा, अच्छा रहेगा, सब कुछ बढ़िया होगा। घर में किसी के साथ कोई शिकवा गुस्सा गिला है तो वो भी ठीक होगा। सेल्फ लव को आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का काम आप कर ही रहे हैं, ये दो कार्ड बताते हैं कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं। और हीलिंग के लिए गाइस मैं आपको बताऊँ, हीलिंग के लिए ना एक बहुत मिसकंसेप्शन रहता है कि हीलिंग 10 दिन 15 दिन, नहीं भाई, 10 10 15 15 साल, 20 20 साल, पूरा लाइफ चलती है हीलिंग। तो हीलिंग कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, ठीक है, कि हीलिंग हो गई तो हो गई, हीलिंग चलती है, हीलिंग चलती ही रहती है। और यहाँ पे फ्रेंडलीनेस है, देखो अब यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बता ही रहा है कि मैं कौन हूँ, लेकिन फ्रेंडलीनेस को समझो। यहाँ पे दो दो नंबर का कार्ड है, ठीक है, दो लोग हैं तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप आप डेवलप करेंगे। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी आपका फ्रेंड हो, और ये भी हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है वही आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाए, लेकिन फ्रेंडशिप का, पार्टनरशिप का, अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप करने चाहते हैं तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि 3 4 5 पार्टनर नहीं, आप और एक और बस, और अपने दोस्त के साथ, अपने किसी रिश्तेदार के साथ जिससे आपकी बहुत अच्छी छनती है, बनती है, उसके साथ आप बिजनेस की पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। और लोगों के साथ अगर आप फ्रेंडलीनेस में रहेंगे तो ओवरऑल आप ग्रो करेंगे, तो ये भी यहाँ पे आया है आप लोगों के लिए। और इसको मैं समझाती हूँ, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ये इसके बारे में बताया है, जिसको आप लेट गो कर रहे हैं उसको आप ऑलरेडी लेट गो कर ही रहे हैं, आपको ये चीज़ समझ में आ गया है कि यहाँ से कुछ बनने वाला नहीं है मेरा, इसके बारे में सोच सोच के यहाँ पे स्टक रहने से कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता है मुझे कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता है मुझे क्या करना है, बट मुझे यहाँ से निकलना है, ठीक है, इतना समझ में आ जाए लाइफ में तो जिंदगी की जो जंग है ना वो हम आधी जीत जाते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो जो भी आपकी ड्रीम है रिगार्डिंग लव लाइफ, रिगार्डिंग सक्सेस, रिगार्डिंग योर करियर, पोजिशन, प्रेस्टीज, पब्लिक इमेज, पब्लिक स्टेटस, जो भी आप चाहते हैं, तो उसको उसको आप आज नहीं तो कल, ठीक है, ये पोर्टल बोल रहा है आज नहीं तो कल अक्वायर कर लेंगे, उसमें आपने फेथ बनाए रखना है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, तो एंजल्स बोल रहे हैं आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से ही पूछो, तो ऐसी कोई सिंक्रोनिसिटीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है गाइस, जैसे कि आपको एंजल नंबर्स दिखें, जैसे कि आपको बटरफ्लाइज दिखें, जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था तो मुझे बहुत बटरफ्लाइज दिखती थी, बहुत एंजल नंबर दिखते थे, और सबसे पहले मुझे जो एंजल नंबर दिखना शुरू हुआ था ना, अभी मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी, 555 था वो, मुझे मतलब लाइक क्रेजी आई वॉज, मतलब मुझे, मैं पागल होने वाली थी कि यार ये मुझे इतना क्यों दिख रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या है, क्या है, कैसे है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप लोगों के साथ हो रही हैं तो यू आर इन सिंक, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो उस टाइम नहीं पता था, मुझे तो किसी ने नहीं बताया था क्योंकि ये बहुत साल पुरानी बात है, तो आपको मैं बता रही हूँ कि घबराने की बात नहीं, यू आर इन सिंक, और लाइफ कुछ ना कुछ अच्छा ही आपको देगी, और पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेंगे उन सब चीज़ों के। मैंने बोला है ना कि ढेर सारे रेजोल्यूशन निकलेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ शिकवे गिले जो है वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ठीक नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, तो थोड़ा सा मुझे लगता है आप लोगों ने ग्रज होल्ड किया हुआ है किसी एक इंसान के लिए, आपने आपके मन में ना ग्रज है, ठीक है, वो आपको निकालना है, वो निकल जाएगा, क्योंकि भगवान शिव का यहाँ पे आपको आशीर्वाद है कि उस नेगेटिविटी को, उस ग्रज को होल्ड करना छोड़ दो। कुंडलिनी योगा आप कर सकते हैं, जो 7 चक्रास पे हम अपने ध्यान करते हैं, उस तरह के बहुत सारे मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो जो भी आपके साथ सिंक करे, जो भी आपके मन को भाए, वो आप कर सकते हैं, अपने चक्रास पे आप ध्यान कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ओम, जो कि बहुत बेसिक साउंड है हमारी और बहुत पुरानी साउंड है, तो ओम की चैंटिंग करके उस पर आप ध्यान कर सकते हैं। सो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की बहुत प्यारी सी रीडिंग, इसको क्लेम करना मत भूलिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू करना मत भूलिएगा, कमेंट्स में आपने थैंक यू करना है, कमेंट्स में आपने जो है इसको क्लेम करना है, ठीक है। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा, और लाइफ में मैं आशा करती हूँ, आपको ब्लेसिंग्स देती हूँ कि जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिले ताकि आप ग्रो कर सकें। तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।